बाइक से उतर के मैं आ गया और पिता को देखा देखा तो आया नहीं, लड़की से बात कर रहा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ नौगांव। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को और एक नए वीडियो पे। मैं तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं नौगांव, इसको अपडेट करना है ब्रो। नौगांव इसको अपडेट करना है, उसने खाया था शनिवार बुलाया था तो आज अपडेट कर गया। मैंने जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना वो फिर बेंगलोर पे चला गया। देखो मेरे दो बार ऐसा हो गया मेरा, मतलब ऑर्डर इधर आसाम से कर रहा हूँ मतलब बेंगलोर पे जा रहा हूँ, मतलब कैसे एड्रेस करना मालूम नहीं भाई, इतना मतलब नॉलेज नहीं है मेरा पास यार। उसने कॉल किया जो डिलीवरी करता है, उसने डिलीवरी कुरियर करता है, उसने डिलीवरी जो करता है उसने कॉल किया और बोला भाई किधर है कहाँ पे आना ऐसा बोला। मन करता है कि दिन भर बाइक पे ही घूमता रहूं। हवा मस्त, टर्निंग देख सकते हो आगे में किस तरह, यू टर्निंग है तो आराम से लेना टर्निंग। तो दोस्तों मैं बैंक पहुंच गया था और बैंक पहुंचने के बाद पता चला कि उन्होंने भी कहा है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को जेरेक्स करके आना पड़ेगा। मेरा पास जेरेक्स कॉपी नहीं था तो मैं जेरेक्स करने आ गया था जेरेक्स वाला दुकान पे। भाई गर्मी की तरह बहुत ज़्यादा था और बैंक में भी लोगों का बहुत भीड़ था, मतलब मेरा जिस काम था वो मतलब बोल रहा है कि लास्ट में ही होगा, वहाँ पे काम नहीं हो रहा था। तो अभी आके पंजाब बैंक में एटीएम के लिए आया था, यहाँ पे एटीएम और पासबुक जो है मेरा आना बाकी था। और विकास भाई को देखा तो वो किसी लड़के दरगुदर कर रहे हैं, बोला है कि पासबुक जो है ना अभी नहीं आएगा भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हारा एटीएम हो सकता है आया होगा, बोल के देखा है पर उसका पास भी एटीएम आया नहीं था तो हम पोस्ट आऊँ चुक नहीं दिन ला। फाइनली मेरा पंजाब बैंक का भी आ गया एटीएम और इसका अभी काम है थोड़ा बाकी। आज तो खुशी खुशी होगा ना। दो एटीएम पंजाब बैंक जा रहा हूँ एटीएम को एक्टिव कराने। दोस्तों में काम होने का बाद SBI में चला गया, SBI में जाके डॉक्यूमेंट्स दिया, बाद में बोला फ़ोटो एक कॉपी दो, तो मेरा पास फ़ोटो ही नहीं था, मनी पास भी लाया नहीं था, तो हम लोग फ़ोटो के लिए आ गया। आज हम लोग ना प्रैंक करेंगे, इसमें वो खाली वो मैंगो का वो रख दिया है और विकास भाई धीरे धीरे बाइक चलाएगा, उसके बाद मैं जो है ना किसी जो स्टूडेंट होता है या फिर कोई बच्चे लोग होता है उसके साथ प्रैंक करेंगे। ओके अगर वो कुछ बोला तो साथ में खरीद के दे देंगे, कोई बात नहीं। समय क्या हुआ कि जो माइक था ना मैंने उसको ऑन ही नहीं किया, बस ऐसे ही मोबाइल का उसमें हवा बात करके आ रहा था, कुछ बोल रहा था बट रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा था, हो रहा था फिर कम सुनाई दे रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा कट कर दिया और थोड़ा वॉइस क्लिप लगा दिया। अच्छा नहीं लग रहा है। विकास भाई मेरे को बोल रहे थे कि ये बच्चे लोग हैं ना इसका साथ ही प्रैंक करो, चलो ऐसा बोल रहा था, मैंने मना कर दिया। वो छुट्टी हो रहा था बच्चे लोग का तो यहाँ पे सोलो बनता है तो जा रहा था विकास भाई ने यार उसको चढ़ा दी गाड़ी बेकार पर। गाइस प्रैंक तो हो नहीं भाई, किसी को मिला नहीं रास्ता पे और अभी मैं घर पे पहुँचा हूँ, देखता हूँ काम पे जाऊँगा या नहीं, काम पे जाने से देखता हूँ, उतर का वीडियो भी थोड़ा क्लिप दिखाना पड़ता है। दोस्तों अभी इस साला पंजाब बैंक का एटीएम जो है उसको एक्टिव करना है। गैस अभी अंडा बना के खाना खा के जाएगा, अंडा के साथ अंडा आमलेट बनाएगा, प्याज काट लिया यहाँ पे अंडा है, आमलेट मैंने तेल पर लगा दिया हो रहा है, इधर थोड़ा ये बहन दो खाएगा, ये खाएगा इसको नहीं देगा और दूसरा बाहर गया उसको भी नहीं देगा, खा के थोड़ा आराम करके जाएगा। गाइस खाना खा दिया, टाइम तो बहुत हो चुका है, आप टाइम जो सीलिंग बोर्ड के लिए फ्रेम लगाना था वो लगा चुका था और यहाँ पे सीलिंग जो है ना वो AC बोर्ड लगा रहा था। भाई मैं फर्स्ट टाइम ये कर रहा था ये काम, बहुत दिक्कत होता है जो उसे खिली मारने। गाइस बहुत थक चुके हैं, मैं 2:30 बजे से काम में लगे थे, अभी 8 बजने वाला हो गया, अभी आके आराम किया है भाई, नहा लिया तो शरीर को ठंडक मिल रहा है, शांति हो रहा है, थका हुआ पूरा सो जाने का मन कर रहा है। दोस्तों
क्या हुआ ना, ज़्यादा इतना काम भी बिजी था, मतलब आज ख़त्म करना ही था, इसलिए मतलब इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं क्लिप भी दिखा नहीं पाया, थोड़ा वक्त लिया है उसी को एंजॉय कर लेना। और दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, अगर आप लोग को मेरा ये घर एपिसोड 9 अच्छा लगे तो मिलते हैं कल के दिन, ओके।